हमारे सेना कहाँ गई? महासेना जो मेरे कमर टूट गई, मेरे मतलब है टूट गया। जो हुकुम राजकुमारी। अरे मम्मी नहीं। क्या हुआ महासेना, तुम डर क्यों गए? अरे राजकुमारी जी, मुझे बिजली कड़कने से डर लगता है। चुप हो जा बेवकूफ और मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। चुप हो जाओ बेवकूफ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सबको इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पावर को चेक करना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, मैं अपना पावर दिखाता हूँ। अरे बेवकूफ, मैं कोई कठपुतली थोड़ी हूँ कि तुम मुझ पर पावर चेक कर रहे हो। क्षमा, हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी। तुम रहने दो उल्लू, मेरा मतलब है उल्लू, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे बेवकूफ। महाशेरा, अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। जी राजकुमारी। वायुसेना, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। बहुत खूब वायुसेना। अगली सेना, अब तुम्हारी बारी। बहुत अच्छा अग्नि सेना। बल सेना, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे से क्या तो लाजवाब है बल सेना। देव सेना, अब तुम्हारी बारी। देखा राजकुमारी, मेरा शक्ति का कमाल। मैं किसी भी चीज को एक सेकंड में गायब कर सकता हूँ और ला भी सकता हूँ। वाह देवसेना, हम तुम्हारी शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। और राजकुमारी, मैं महासेना, क्या तुम मुझे मार के मानोगे क्या? अरे हाँ, मैंने तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। हमारे महासेना पागल हो चुका है, इसलिए हम पृथ्वी लोग जा रहे हैं। पर क्यों राजकुमारी, और ये पृथ्वी लोग कौन सा ग्रह है? अग्नि सेना, क्या तुम पृथ्वी नहीं देखी है? चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो अग्नि सेना, ये है पृथ्वी और इसे हम कब्जा भी कर सकते हैं। वो कैसे राजकुमारी? देखो अग्नि सेना, ये पृथ्वी चारों तरफ से गोल है और हम इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। वो तो ठीक है राजकुमारी, पहले आप पता कर लो कि इस पर खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने अग्नि सेना, और इसलिए हम अभी पृथ्वी लोग की जांच करेंगे कि ऐसे सबसे ताकतवर कौन है पृथ्वी लोग में। अग्नि सेना, ये देखो पृथ्वी लोग की महान शक्तिशाली योद्धा, इसका नाम है वीर। मैं सबसे पहले इसी को ही मारूंगी और मैं इसी वीर को मार कर इस दुनिया पर राज करूंगी। तुम सब एक तरफ आ जाओ, मैं पृथ्वी लोग जाने से पहले महासेना से मिलना चाहती हूँ। जी राजकुमारी बोलिए। देखो महासेना, तुम कितने भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें गुल्लू बुलाते हैं। लेकिन मैं जब तक पृथ्वी लोग से ना आऊँ, यहाँ से खेलना मत। जी राजकुमारी। अरे ये क्या कर रहे हो? आपने तो बोला कि हिलना मत, इसलिए मैं नहीं हिलूंगा। सबसे पहले वीर को मैं अपना गुलाम बनाऊंगी क्योंकि हमारे महासेना पागल हो चुका है। मैं तो यहाँ आ गई, पर वीर को ढूंढना पड़ेगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा है? लग नहीं रहा है सच में कोई मुझे पुकार रहा है। कौन हो तुम और क्या क्यों आए हो?
पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम विग्रह है ना, और तुम दुनिया का रक्षक। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वीर हूँ और दुनिया का रक्षक भी? मैं 4 साल से तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन आखिरकार तुम मिल ही गई। वैसे तुम दुनिया में रह के क्या करोगी? तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारा मौत आई है और वो मौत मैं हूँ। मैं तुम्हें मार कर दुनिया में राज करूँगी वीर, और ये पृथ्वी मेरी होगी। मेरे रहते हुए तुम पृथ्वी को छोड़ना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकते, और रही बात राज की तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें भगा कर ही रहूंगा। मैं भी देखती हूँ वीर कि ये पृथ्वी किसका होता है। अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की होने भी नहीं दूंगी। अब मेरा वार का सामना करो। अरे इसका वार तो बहुत तेज है। तुमने तो अपना पावर दिखा दिया, अब मेरी पावर देखो। नहीं, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाई तो क्या हुआ वीर? अब मैं पिछले लोग को नष्ट करने जा रही हूँ। वो पृथ्वी लोग को नष्ट करने जा रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा नहीं तो पृथ्वी खत्म हो जाएगा। हो रही पृथ्वी, लेकिन अगर मैं पृथ्वी पर राज किया तो वीर किसी भी समय मुझे मार सकता है, और मैं पृथ्वी को नष्ट किया तो वीर भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुबह से होता है काम, इसका वार हो जाए नाकाम। अरे मेरे शक्ति नाकाम कैसे हो गई? ये जरूर वीर कर रहा है। वीर अब तुम ध्यान से सुनो, पृथ्वी पर अब जादू नहीं, अब सीधा हमला होगा। अरे राजकुमारी ने तो सच में पृथ्वी पर हमला कर दिया। राजकुमारी, अरे ये पत्थर पृथ्वी से टकरा क्यों ले रही? आज चाहे जो हो जाए मैं पृथ्वी को नष्ट करके रहूंगी। तुम मेरे रहते हुए ये पृथ्वी नष्ट करने की बात तो छोड़ो, अपनी जान की परवाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। अरे अरे क्या रे, बुराई तो मर गया, पर मुझे जल्द से जल्द उस पत्थर को पृथ्वी के सामने से हटाना पड़ेगा, नहीं तो पृथ्वी से कभी भी टकरा सकता है। बुराई की अच्छाई के सामने फट जाए, यह पत्थर वहां से हट जाए। बुराई का अंत तो कर ही दिया, लेकिन साथ साथ पृथ्वी लोग भी बच गया। बुराई चाहे कितना भी उड़ान क्यों ना भर ले, एक ना एक दिन सच्चाई अच्छाई के सामने जरूर गिरेगा।